like falling down these lies again. This feeling that I had deep down inside. I just wanna be the one. Hi guys, what's up? Welcome and welcome back to my channel and welcome back to my another haul video. Happy winters guys, I hope you guys are enjoying winters. हालांकि मुझे winter fashion के अलावा winters में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है. खाना नहीं खाया जाता क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है, नहाया नहीं जाता क्योंकि ठंडी लग जाती है, उठा नहीं जाता क्योंकि आलस आ जाता है. मतलब मुझे सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है. स्पेशली जब हम हॉल वीडियोज बनाते हैं, बार बार आपको प्रोडक्ट चेंज करने होते हैं. you know, जब हम कपड़े पहनते हैं तो वो ह्यूमन टेम्परेचर से खुद ही वार्म होने लगते हैं, बट जब आप बार बार कपड़े चेंज करते हो तो वो आपको बार बार ठंडे लगते हैं. तो ये तो अपने आप को ठंड लगाने का एक प्रोसेस होता है हॉल वीडियोस बनाना. सो इसलिए मुझे विंटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट मुझे विंटर फैशन बहुत पसंद है क्योंकि इतनी वैरायटीज होती है, इतने स्टाइलिंग के ट्रिक्स होते हैं ना, तो मजा आता है स्टाइल करने में प्रोडक्ट्स को. सो ये हो गया सीजन का अपडेट. आज की वीडियो के बारे में मैं आपको बताती हूँ. ऑफ कोर्स विंटर वेयर हॉल है. मैं आपको दिखाने वाली हूँ अमेजिंग जैकेट्स एंड ऑल द जैकेट्स आर फ्रॉम द ब्रांड टोक्यो टॉकीज. आई होप सबने इस ब्रांड के बारे में सुना होगा. अफोर्डेबल के साथ साथ ये क्वालिटी भी देता है, तो मुझे स्पेसिफिकली ये ब्रांड बहुत ज्यादा पसंद है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं ऑलरेडी इसके यूज करती हूँ, ट्राई कर चुकी हूँ, बहुत सारे हॉल वीडियोज भी मैं इसके बना चुकी हूँ. एंड मैं जैसे कि हॉल वीडियो बनाने से पहले ट्राई कर चुकी होती हूँ, तो मुझे पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कैसा है. सो मैंने इस वीडियो का पहले आपको बता दिया, सारे प्रोडक्ट्स अमेजिंग हैं, क्वालिटी इज वेरी गुड. सो प्राइस मैं आपको बता दूं, प्राइस रेंज रहने वाला है 900 से लेके 1500 तक, ये रेंज रहेगा जैकेट्स का. सो या सो विदाउट टेकिंग मच फिनाइल, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, मैं ना स्टार्ट करूंगी दो डेनिम जैकेट से. डेनिम इज नेवर आउट ऑफ ट्रेंड. डेनिम जैकेट्स लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती है. सो आज की वीडियो में जो मैं आपको जैकेट दिखाऊंगी ना, वो काफी डिफरेंट स्टाइल के थे. जैसे मैंने ये वाली पहनी हुई, तो बिल्कुल सिंपल ब्लू डेनिम है, क्रॉप जैकेट है, ये मैंने मीशो से परचेज की थी. बट अब मैं आपको जो जैकेट दिखाऊंगी ना, वो आप देखना, लुक एट दिस जैकेट, इजंट इट स्टाइलिश. सो इसमें जो मुझे डिफरेंट लगा ना, इसका पैचवर्क, ये पैचवर्क जो है पूरे में, एंड ये इसको ना काफी ज्यादा रॉक स्टार लुक दे रहा था. मतलब जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कुछ लड़कियां हेलमेट वगैरह पहन के बाइक पे आती हैं, एंड थोड़ा रॉक स्टार सा लुक होता है, बहुत ही बोल्ड सा लुक होता है उन लड़कियों का. ये मुझे उस टाइप की वाइब्स दे रही थी, बहुत ही क्लासी, बहुत ही मतलब एकदम से ना आदमी देखेगा कि हाँ यार, इस बंदी ने या बंदे ने जैकेट पहनी हुई है, क्या क्लास जैकेट है. एंड इसका प्राइस जो है मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी. इसका जो प्राइस है वो ₹1269. एंड हैवी विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है, काफी ज्यादा वार्म है, कपड़ा बहुत थिक है, तो ये एक डेफिनेटली मस्ट बाय जैकेट है. डेनिम जैकेट ऐसी आपके पास नहीं होगी, आई कैन गारंटी दैट. मतलब हो भी सकती है, लेकिन इसको ट्राई करना, दिस इज अमेजिंग. सो द सेकंड मैंने जो डेनिम जैकेट ली है वो ये है. ये आपको बिल्कुल सिंपल लग रही होगी, जैसे मैंने पहनी हुई है, काफी हद तक वैसी ही है. बट इसमें क्या डिफरेंट है, लुक एट दिस, दिस इज सो क्यूट. इसमें भी ना एक फ्लावर एंड बटरफ्लाई का प्रिंट है, एंड ये इतना क्यूट है ना. सो ये मुझे इसमें काफी डिफरेंट लगा. एंड ये ना थोड़ी ओवर साइज डेनिम जैकेट है, जैसे आप देख सकते हो, ये तो पूरा यहां तक इसकी स्लीव्स आ रही है, बहुत ही सिंपल सी क्रॉप जैकेट है. बट ये ना पूरा इसका ओवर साइज लुक था. सो इसका मैं आपको प्राइस बता देती हूँ, या इसका प्राइस है ₹969. सो मुझे लगता है कि बहुत सही प्राइस है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, एंड इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, बहुत थिक है, आपको ठंड इसमें बिल्कुल नहीं लगने वाली. सो ये भी एक मस्ट बाय जैकेट है. सो गाइस, अभी ना मैंने एक व्हाइटी शॉर्ट्स डाली थी गेट रेडी विद मी, उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कौन सा फाउंडेशन यूज करती हूँ. एंड मेरा फेवरेट फाउंडेशन है वो डर्माको का था. एंड उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने पूछा कि आपका बिल्कुल एग्जैक्ट शेड कौन सा है. एक्चुअली तो डर्माको के 2% नाइसिनामाइड हाई कवरेज फाउंडेशन में 7 शेड्स अवेलेबल है, बट उसमें से मुझे 2 शेड्स जो बिल्कुल सूट करते हैं, उनमें से एक है 02 न्यूड एंड 03 नेचुरल. ये दोनों शेड मुझे बिल्कुल परफेक्टली मेरे स्किन टोन से मैच होते हैं. सो मैं इनको क्यों बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ वो भी आपको मैं बता देती हूँ, अगर आपने वो व्हाइटी शॉर्ट्स नहीं देखी है. सो ना ये मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि इसमें 2% नाइसिनामाइड है एंड हाइलोरोनिक एसिड है. तो आपको पता है नाइसिनामाइड आपके डार्क स्पॉट्स को फेड करने में हेल्प करता है, एंड हाइलोरोनिक एसिड आपके
स्किन को मॉइस्चराइज करता है. कई बार विंटर सीजन में तो बहुत ज्यादा हमारा स्किन बहुत ड्राई रहता है. स्किन केयर फॉलो करने के बाद भी जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो बहुत ड्राई एंड केकी महसूस होता है, बट ये बिल्कुल वैसा नहीं होता एंड स्किन में ऐसे अब्सॉर्ब हो जाता है जैसे कि मैं कोई मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ. सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये ना स्किन केयर भी है एंड मेकअप भी है, क्योंकि इसमें आपको SPF 40 एंड PA 3 प्लस की प्रोटेक्शन भी मिलती है. तो ये आपको सनबर्न एंड सनरेज से भी प्रोटेक्शन देता है. सो मुझे लगता है कि ये परफेक्ट फाउंडेशन है हर सीजन के लिए, विंटर्स ही नहीं हर सीजन के लिए, एंड ये हर स्किन टाइप को सूट कर लेगा. एंड इंडियन स्किन टोन के हिसाब से इनके पास 7 शेड्स अवेलेबल हैं जो कि आप इजीली अपना स्किन टोन के हिसाब से फाइंड कर सकते हो अपना बिल्कुल एग्जैक्ट शेड. एंड ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है एंड ये बहुत इजीली आपको अवेलेबल है Amazon, Flipkart, Nykaa, Dermaco की वेबसाइट पे. मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हो 1@2023 टू अवेल 20% ऑफ. सारे लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. यू कैन फाइंड ऑल द लिंक्स इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड मैं Dermaco की इनिशिएटिव को भी सपोर्ट करती हूँ जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जिसमें जब भी कोई आप ऑर्डर प्लेस करते हो Dermaco का, दे विल लिंक यू ऑर्डर टू अ चाइल्ड, दे विल एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि, एंड दे हैव ऑलरेडी प्लेज 10,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर विद द यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. सो आप भी इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हो एंड उनकी हेल्प कर सकते हो ऑर्डर प्लेस करके. इजिली मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है एंड लिंक्स पे क्लिक करना है जहां जिस भी वेबसाइट से आप परचेज करना चाहते हो. Dermaco के पे से करोगे तो मेरा कूपन कोड यूज करना भूलना मत. एंड अगर आपको फ्रेग्रेंस से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि Dermaco के सारे प्रोडक्ट्स हैं फ्रेग्रेंस फ्री एंड बिल्कुल सेफ है यूज करने के लिए. मैं खुद स्किन केयर मेकअप में बहुत सारे प्रोडक्ट्स Dermaco के यूज करती हूँ एंड आई लिटरली फेल्ट कि मेरी स्किन बहुत हेल्दी हो गई है उसके बाद. सो मैं भी आपको वही चीज रिकमेंड करती हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस में अच्छा लगता है एंड मुझे फायदेमंद लगता है स्किन के लिए या बालों के लिए. सो मेक श्योर यू चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रोडक्ट, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी ये वाली बरगंडी लेदर जैकेट. ओ माई गॉड, इसकी क्वालिटी इज अमेजिंग. इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका प्राइस है ₹1400 का इसका प्राइस है. बहुत बहुत सही प्राइस है एंड अगर आप इसका MRP देखोगे ना, इसके टैग में लिखा है 4249. लेदर जैकेट जो इस टाइप की क्वालिटी की और इस टाइप की डिटेलिंग एंड जो इसका पूरा थ्रेड वर्क है ना, जो इसका मतलब क्या बोलते स्टिचिंग है, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की है. एंड इसके जो मतलब कंफर्ट था बहुत अच्छा था. कई बार कुछ जैकेट्स ऐसी होती है जो शोल्डर से ना ऐसे करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल रहती हैं, उनका साइज में प्रॉब्लम होती है, आई डोंट नो, बट वो थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है. बट ये वाली जैकेट टोटली कंफर्टेबल थी एंड मैं आपको कहूंगी अगर आपको पसंद आ रहा है ना तो इसको जल्दी से जल्दी मंगा लो, क्योंकि इन सारे ही प्रोडक्ट्स के काफी सारे साइजेस ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं. सो मेक श्योर यू बाय देम एज सून एज पॉसिबल. गाइस मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट जैकेट, ये मैंने परचेज की थी एक पफर जैकेट. बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल पफर जैकेट एंड आजकल ना क्रॉप जैकेट्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है. सो ना मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसमें थोड़ा सा शाइनी एंड थोड़ा सा शाइनी सा लुक था. इसका प्राइस था ₹1179 एंड बहुत ज़्यादा वॉर्म थी ये. हैवी विंटर्स के लिए परफेक्ट है, हर ओकेजन के लिए परफेक्ट है. मतलब डिपेंड्स कि आप इसको स्टाइल कैसे करते हो, ये हर ओकेजन में फिट हो जाएगी एंड आई रियली लव द कलर. इसमें ना बहुत ही कम साइजेस बचे हैं, तो मेक श्योर यू चेक देम आउट एंड परचेज एज सून एज पॉसिबल. सो गाइज नेक्स्ट ये ना कोट स्टाइल में जैकेट थी. इसका प्राइस है ₹1579 एंड अगर आप इसको कोट की तरह यूज करना चाहते हो तो आप कोट की तरह कर सकते हो. बाकी इसमें एक बेल्ट भी आपको अटैच मिलेगी. अटैच मतलब आप इसको सेपरेट भी कर सकते हो एंड अगर आप बेल्ट लगाना चाहते हो तो आप इसको कोट की तरह भी यूज कर सकते हो. ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी था. 1579 में ना बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि कोट, ब्लेजर, जैकेट किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो एंड डेफिनेटली वॉर्म था. बेज कलर बहुत न्यूट्रल सा कलर था, तो जिन लोगों को ना बहुत ही बेसिक से न्यूट्रल कलर्स पसंद होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. जीन्स, स्कर्ट किसी के साथ आप पेयर अप कर सकते हो एंड कॉलेज में भी ये चलेंगे, तो फॉर्मल ओकेजन्स पे भी आप इसको पहन सकते हो लाइक पैंट या फिर टी शर्ट या शर्ट्स के साथ. सो आई टोटली रिकमेंड दिस जैकेट, आप इसको ट्राई करके देखो. तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे. यही थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने ऑर्डर करे थे टोक्यो टॉकीज ब्रांड के. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस विंटर वेयर हॉल. आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. वो भी प्रोडक्ट्स मैंने यूज करे इन जैकेट्स को स्टाइल करने में, आपको उनका लिंक चाहिए क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो मैं एक साथ तो प्रोवाइड नहीं कर सकती डिस्क्रिप्शन में, बट आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं तभी आपको लिंक्स दे दूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे.
तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी ब्यूटिफुल. बाय गाइज, लव यू ऑल. I'm trying not to let go of my pride, but every time you come back, it's like falling down these lies again.